and welcome to today's vlog. Isad, happy Independence Day. चलो ठीक है साथ खरे खरे राखी बंधवाइएगा। पहले असली राखी जमता, फिर नकली राखी। हाँ, पहले असली राखी, पहले असली राखी। मेरा सीधा करो ऐसे, भाग रहा है। अरे बेटा जल्दी 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 आता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाने आता है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सिर्फ झंडा फहरा लेने से या हैप्पी रिपब्लिक हैप्पी इंडिपेंडेंस बोल देने से ये कहीं से भी सिद्ध नहीं होता है कि हम एक अच्छे भारतीय हैं। हम सभी को कुछ न कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे हमारा या हमारे देश का भला हो सके। देखिए, पूरे देश हित के लिए ये जरूरी नहीं है
कि सिर्फ जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या जो सिर्फ हमारे राष्ट्रपति हैं या फिर जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, वहीं कुछ करें। आम जनता अगर एक साथ होकर कुछ करती है तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और कोई भी बड़ा काम तभी पूरा हो पाता है जब वो छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर किया जाए, और वो छोटा टुकड़ा हम हैं, आप हैं। तो हमें कुछ न कुछ ऐसा तो जरूर करना चाहिए जिससे कि हमारे देश का भला हो सके। अब हम वो क्या कर सकते हैं ये हम और आप सोचे तो ज्यादा अच्छा है। आज एक और फेस्टिवल भी है और वो है राखी का त्योहार। तो सबसे पहले आप सभी बहनों को और सभी भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। सभी भाइयों के लिए है ये, उनके लिए भी है जिनकी बहनें नहीं है, ये उनके लिए भी है जिनकी भाई नहीं है। मैं आपको बताऊं, सार्थ मेरा अकेला है अभी, उसकी कोई बहन नहीं है, पर फिर भी हमने उसके साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है। मैं मानती हूं कि अगर आपकी माँ है ना, तो माँ के अंदर सारे रिश्ते निहित होते हैं, सारे रिश्ते होते हैं उनके अंदर। वक्त आने पर वो माँ का भी फर्ज अदा करती है, वो पिता का भी फर्ज अदा करती है, वो एक अच्छी बहन भी होती है, एक अच्छी बेटी भी होती है, एक अच्छी बहू भी होती है, सारे रिश्ते उसमें निहित होते हैं। तो अगर आपकी बहन नहीं है तो आप अपनी माँ से राखी बंधवाइए। सार्थ को राखी उसकी मासी और उसकी माँ ने बांधा है, तो आज से हम ही दो उसकी बहनें हैं। क्योंकि माँ है ना, मासी में भी माँ होती है और माँ तो माँ होती ही है। तो आप सभी भाइयों को जिनके पास बहन नहीं है ना, आप कभी ये मत सोचिए कि आपके पास बहन नहीं है। अगर आपके पास माँ है ना, तो वो आपकी सारी कमी दूर कर देगी। कलाई बढ़ाइए और माँ से राखी बंधवाइए। मेरी बुआ नहीं है अब इस दुनिया में, पर मेरी बहन हर साल मेरे पापा को राखी बांधती है, क्योंकि वो एक बेटी है और एक बेटी फिर से एक बहन का फर्ज अदा कर सकती है। तो अगर आपके पास बहन है तो भी, और अगर आपके पास बहन नहीं है तो भी, रक्षाबंधन आप सभी के लिए। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से मेरे सारे भाइयों को। मेरे बहुत सारे भाई नहीं है यहाँ पर, बहुत बहुत दूर भी हैं, कुछ कुछ पास में भी हैं, तो उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। आप लोगों की सारे विशेष पूरी हो, सारे भाइयों की सारे विशेष पूरी हो। आप दुनिया में जो चाहें आपको वो मिले। एक मैसेज जो आज इस ब्लॉग के जरिए मैं आप सभी भाइयों को, भाभियों को और बहनों को देना चाहती हूँ, वो ये है कि बहुत सारी बहनें ये ब्लेम करने लगती हैं कि शादी के बाद भैया तुम बदल गए, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं है, शादी के बाद आपका भाई नहीं बदलता, उसका वक्त बदलता है। पहले आप अकेली थी, अब एक और लड़की आ गई है जिसकी या जिसको आपके भाई की बहुत जरूरत है। वो अपना सारा दुनिया, अपना सारा संसार छोड़ के आई है आपके भाई के लिए। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए। आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि अगर आपके पास एक रोटी है और खाने वाला एक है, तो उसको पूरी रोटी मिलेगी ना। पर अगर आपके पास एक रोटी और खाने वाले चार हैं, तो उसको तो पूरी एक रोटी नहीं मिलेगी ना, वो चार टुकड़े में बांटी जाएगी और फिर सबको मिलेगी। तो इसलिए ऐसा विचार बिल्कुल अपने मन में मत लाइए। भैया वही हैं आपके, एक नई भाभी आई हैं, उनको भी ढेर सारा प्यार दीजिए। वैसा ही प्यार दीजिए जैसा कि आप चाहती हैं कि आप अपने ससुराल जाइए तो आपको मिले। और सारे भाइयों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी बहनों को वक्त दीजिए या मत दीजिए, उन्हें यह एहसास जरूर कराते रहिए कि अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं वो पहला इंसान होऊंगा जो तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। बस ये एक एहसास उनको दिलाते रहिए। अगर उनके मन में ये तसल्ली हो गई ना, तो फिर वो आपसे कभी शिकायत नहीं करेंगे। मैं भी एक बहन हूं, मुझे भी मेरे भाई से बस इतना ही चाहिए कि जब मुझे उसकी जरूरत पड़े ना, वो मेरे लिए सबसे आगे खड़ा रहे। और भाभियों के लिए आप ये समझिए कि जैसे आप किसी की बहन हैं, वैसे आपकी ननद भी किसी की बहन है। अगर आपको आपका भाई ना बुलाए, ना प्यार करे और ना ही एहसास दिलाए आपके इम्पोर्टेंट होने का, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो वो भी तो बहनें हैं। तो अपनी ननदों को भी एहसास दिलाइए कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शादी के बाद भी उनका मायका वैसा ही है जैसा वो छोड़कर गई थी, और आप उनको सहेज के रख रही हैं। बस इतना सा ही मैसेज था मेरी तरफ से। अगर आप में से किसी को बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था, पर मैं अपने सोसाइटी में आजकल
ऐसा बहुत सुनती हूँ कि भाई बदल गया, बहन बदल गई, भाभी बदल गई, ये ऐसा हो गया. ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई नहीं बदलता, वक्त बदलता है. हाँ, कुछ लोग होते हैं, पर उन लोगों की बात नहीं की जानी चाहिए. पर अगर आपके, जरूरी नहीं है कि सब ऐसे ही हो, सब ऐसे नहीं होते हैं. सिर्फ आज ही का दिन भाई बहन का नहीं होता है, पूरा साल भाई बहन का होता है. सिर्फ आज हम सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए आज का दिन ज़्यादा स्पेशल हो जाता है. तो वंस अगेन आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं. मेरी तरफ से दुनिया के हर भाइयों को रक्षाबंधन मुबारक हो. भगवान आपकी हर विश पूरी करे. और हर बहनों को भी ढेर सारे शुभकामनाएं. आप अपने भाइयों को ढेर सारी दुआएं दीजिए, उनकी सारी मुसीबतों में उनका हौसला बनिए, उनकी इरादे को मजबूत बनाइए. बस इतना ही कहना चाहूंगी आप सभी से. तो आज के व्लॉग में बस इतना ही. मैं मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय.